ये जो मिड बजट TWS ईयरफोन्स का मार्केट सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है लास्ट कुछ मंथ से, और इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए बोट का यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आ चुका है। ये है बोट 101 ईयरडॉप्स। मेरा नाम अक्षय, स्वागत है आप सभी का टेक बाइंडर्स में। 1499 के अफोर्डेबल प्राइस में ये लॉन्च हुआ है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या ये है बेस्ट TWS ईयरफोन एंड वेदर यू शुड परचेज दिस ईयरफोन राइट नाउ और नॉट। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ, और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट्स की, तो यहाँ पे बॉक्स है, बहुत ही सिंपल पैकिंग में देखने को मिलेगा, देयर इज नथिंग टू मेंशन। बैक साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट के स्पेक्स देखने को मिलेंगे। अनबॉक्स करने पे यहाँ पे आपको ईयरडॉप्स का ये केसिंग देखने को मिलेगा, साथ ही ईयरबड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी एंड दिस इज सी टाइप। साथ में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक यूजर मैनुअल गाइड है, वारंटी कार्ड है, इनका कैटलॉग है। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स। चलिए बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। जो इसका डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इट्स नॉट ए प्रीमियम बट स्टिल इट्स वेरी गुड फॉर द प्राइस पॉइंट। ये जो केसिंग है बहुत ही रोबस्ट है, और यहाँ पे ईयरबड्स हैं वो भी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक बट स्टिल इट्स अ गुड प्लास्टिक। ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कोई भी इशू नहीं हुआ, और यहाँ पे ये सेटिस्फाइंग क्लिक साउंड देते हैं विच आई रियली लाइक। सो दिस पार्ट इज प्रीटी ग्रेट, ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो जाते हैं। तो क्या इस TWS ईयरफोन को एक हाथ से खोल सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। या डेफिनेटली आप इसको एक हाथ से खोल पाएंगे, और मेरे केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट हो सकता थोड़ी बहुत दिक्कत हो, मसल मेमोरी बन जाएगी तो बड़े आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। सबसे पहले यहाँ पे जो ड्राइवर साइज है वो 13mm का देखने को मिलेगा। वाओ, बहुत ही बड़े ड्राइवर हैं फॉर द फॉर्म फैक्टर एंड फॉर द प्राइस पॉइंट, तो डेफिनेटली इनका बेस बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और जब मैंने इनको ट्राई किया तो मजा ही आ गया। तो जो बोट का सिग्नेचर साउंड है यानी कि डीप बेस, वो डेफिनेटली आपको इस TWS ईयरफोन में देखने को मिलेगा। वोकल्स क्लियर हैं, क्रिस्प हैं, और जो ट्रबल या हाइस हैं वो ठीक हैं, बहुत ही अच्छे नहीं है। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप इसको 50% के ऊपर वॉल्यूम पर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जो TWS ईयरफोन है उनका जो बेस है वो थोड़ा सा मडी होता है, और ये ईयरफोन्स रेटल करते हैं, यानी कि आपको फटने जैसी आवाज़ आने लगेगी। काफ़ी लाउड TWS ईयरफोन है, तो मैं 30% और या उससे नीचे सुनता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। 40% इज़ मोर लाइक ऑफ स्वीट स्पॉट, उसके ऊपर सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड बिफोर परचेसिंग दीज TWS ईयरफोन्स। कम वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके नॉइस आइसोलेशन की। कोई भी ANC या ENC देखने को नहीं मिलेगा, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस प्राइस सेगमेंट, बट या डेफिनेटली इनकी फिटिंग बहुत ही तगड़ी है, स्नग फिट के साथ आते हैं, आसानी से आपके कान में फिट हो जाएंगे। तो नॉइस आइसोलेशन बहुत ही बढ़िया है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है। डेफिनेटली अगर आप 30% वॉल्यूम पे सुनते हैं, राइट टाइप के ईयर टिप्स को यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 75-80% का नॉइस आइसोलेट ये करने वाला है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बटन कंट्रोल्स। सो यार डेफिनेटली इनमें इंट्यूटिव टच कंट्रोल देखने को मिलेगा, टच रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया लगा। सिंगल टैप करते हैं आसानी से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, डबल टैप करते हैं तो आप नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। ट्रिपल टैप की फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपने वॉइस ट्रेंड को कॉल कर सकते हैं, इवन आप इनकमिंग कॉल्स को रिसीव एंड रिजेक्ट भी कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। सो ओवरऑल बटन रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे बोट का लोगो बना है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे टच कंट्रोल्स है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की। ईच TWS ईयरफोन्स में आपको 40mAh का बैटरी बैंक देखने को मिलेगा, एंड रफली दे लास्ट अराउंड 2.5-3 आवर्स एट 50% वॉल्यूम। चार्जिंग केस की बात करें तो 400mAh का यहाँ पे पावर बैंक देखने को मिलेगा, आसानी से आपके TWS ईयरफोन्स को 4 बार ये चार्ज कर पाएंगे। और अगर आप चार्जिंग केस और TWS ईयरफोन को कंबाइन करें तो मेरे हिसाब से 12-13 घंटे का आपको म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। USB-C टाइप की चार्जिंग दे रखी है, इंस्टेंटली आप इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल 2 घंटे में ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका ये 3-4 दिन के लिए काम चल जाएगा। यहाँ पे जो प्लेबैक टाइम है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 20 घंटे के आसपास का प्लेबैक होना चाहिए था इंक्लूडिंग चार्जिंग केस, जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट स्टिल कीपिंग इन माइंड कि 1500 के अंदर आते हैं तो
आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं ज़्यादा प्लेबैक वाले TWS ईयरफोन तो यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो 40 mAh की बैटरी होने के बाद भी बहुत ही लाइट वेट है, समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको 7.5 ग्राम की TWS ईयरफोन देखने को मिलेंगे। सो बैटरी बड़ी है बट स्टिल लास्ट नहीं करती क्योंकि इनमें 13 mm का ड्राइवर्स हैं, ज़्यादा बड़े ड्राइवर्स ज़्यादा पावर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बैटरी कम चलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, वह बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन के साथ इनको पेयर कर सकते हैं। इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज ओपन दिस लिड एंड बूम आपके लास्ट पेयर डिवाइस के साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि जस्ट आप ओपन कीजिए लिड को एंड योर TWS ईयरफोन विल कनेक्ट इंस्टेंटली। रेंज की बात करते हैं तो यह रेंज अच्छी है, मैंने TWS ईयरफोन को दूसरे कमरे में जाकर टेस्ट किया, बूम काम कर रहे थे। इंडोर्स और आउटडोर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कोई इशू नहीं होगा, आसानी से आप इनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। कंफर्टेबिलिटी लेवल की बात करें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्नग फिट के साथ आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं, तो आपके कान में आसानी से फिट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी फिटिंग देते हैं। अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो ईजिली ये निकलते नहीं हैं। हालांकि मुझे ड्रॉबैक लगा जब मैंने इनको लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ किया तो थोड़ा बहुत मुझे पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग के साथ आते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टेक इट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, अगर आप आज के ज़माने में TWS ईयरफोन खरीद रहे हैं तो उसका कॉलिंग रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो चलिए करते हैं इसका माइक्रोफोन टेस्ट और जानते हैं जो इनका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है वो आउटडोर्स में कैसा होने वाला है। राइट नाउ मैं आउटडोर में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस देखने को मिलेगा, 60 dB के आसपास आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस है। तो इस नॉइस में जो इसका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है वो कैसा होने वाला है वो ये थोड़ी देर में सुन पाएंगे। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से, 1-2-3 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट रोड वीडियो माइक्रोफोन। और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है मेरे इस TWS ईयरफोन से, 1-2-3 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट बोट एयरडॉफ 101 TWS ईयरफोन। और हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा कि इसका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा एंड वेदर यू गोना परचेज दीज TWS ईयरफोन्स और नॉट फॉर कॉलिंग। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, वो है वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। मैंने डबल चेक किया ट्रिपल चेक किया, कहीं भी मेंशन नहीं है कि इनमें किसी भी तरीके की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, बट स्टिल आई थिंक कि ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं तो थोड़ा बहुत स्वेट अगर आता है तो मेरे हिसाब से कोई भी इशू नहीं होने वाला, बट ये मेरा व्यू पॉइंट है। डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आप इनको पानी में ही यूज़ कीजिए और ख़राब हो जाए तो मेरे को ब्लेम कीजिए। अगर हम बात करते हैं इसके जिम फ्रेंडलीनेस की तो डेफिनेटली जिम फ्रेंडली है, फिटिंग बहुत ही अच्छी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इजिली आपके कान से ये ड्रॉप नहीं होंगे। तो अगर आप विगर एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, किसी भी तरीके की जिम एक्सरसाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके कान से गिरने वाले नहीं है। सो यहाँ पे कोई वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग जैसे मैं बता चुका हूँ नहीं मेंशन है, बट स्टिल आई थिंक कि थोड़ा बहुत स्वेट आएगा तो आपका काम चल जाएगा, खराब नहीं होने वाले। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट कैटेगरी, गेमिंग रिस्पॉन्स। गेमिंग रिस्पॉन्स कैसा है कि आप इससे गेम खेल सकते हैं, कोई लैग है या फिर नहीं, चलिए जान लेते हैं। सो यार डेफिनेटली इनमें लैग देखने को मिलेगा। जब मैंने इस ऑडियो टेस्टर नाम की ऐप से टेस्ट किया तो समवेयर अराउंड 250 से 300 मिलीसेकंड की लेटेंसी आ रही थी, विच इज़ ओकेश क्योंकि सारे TWS ईयरफोन चाहे आपके 2000 के हों, 1500 के हों, 2500 के हों, 4000 के हों, समवेयर सिमिलर लेटेंसी आपको देखने को मिलती है ब्लूटूथ 5.0 में। पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं बहुत ही ज़्यादा कोई इशू देखने को नहीं मिला। चलिए करते हैं इस वीडियो को समराइज और बताते हैं क्या ये TWS ईयरफोन है आपके लिए। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा TWS ईयरफोन जिसकी साउंड क्वालिटी जबरदस्त हो, डीप एंड पंचिंग बेस हो, साथ में यहाँ पे फिटिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिले, USB-C टाइप चार्जिंग देखने को मिले, तो डेफिनेटली ये TWS ईयरफोन्स हैं आपके लिए। बट अगर आप चाहते हैं ऐसे TWS ईयरफोन जिनका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा हो, यानी कि आप कॉलिंग में यूज़ कर सकें, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मेंशन हो, तो आई थिंक कि ये TWS ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन TWS ईयरफोन्स को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।